बिजलीघर के 500 मेगावाट संयंत्र में देर रात 1:45 के दरमियान कोल स्टेकर स्थित स्टेकर रिक्लेमिंग ऑपरेशन मशीन धराशायी हो गई। मशीन के कैबिन में बिजली घर के एक कर्मचारी मशीन ऑपरेटर 19 वर्षीय संतोष मेश्राम और ठेका कर्मचारी प्रवीण शेंडे उम्र 32 वर्ष बैठे थे। मशीन के धराशायी होने से दोनों की मशीन के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर बिजली घर के कर्मचारियों के अलावा अधिकारी और पुलिस विभाग की टीम पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद मशीन को काटकर शव को निकाला गया। मुआवजे को लेकर तनाव निर्माण हुआ, लेकिन बिजली घर के अभियंता राजू घुगे ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि इस मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए और नियमानुसार दोनों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। बिजली घर के 3 अधिकारियों को लेकर कर्मचारियों में रोष था। तीनों कर्मचारियों पर गाज गिरने की संभावना बनी है। मृतक संतोष ने 6 अगस्त को ही मशीन का ए साइड झुकाव हो जाने से दुर्घटना हो सकती है यह संदेश जताया था और लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अधिकारियों ने अनदेखा कर उनसे जबरन काम करवाया, ऐसा ठेका कामगारों में बताया जा रहा है। अगर मशीन को ठीक किया होता तो यह दुर्घटना नहीं होती। मृतक प्रवीण के परिवार ने मुआवजे के 2 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। बिजली घर कर्मचारी मृतक संतोष को बिजली घर से मिलने वाले मुआवजे प्रवीण के परिवार को भी मिले, यह मांग प्रवीण के परिवार ने की है। खापरखेड़ा से NBCN न्यूज के लिए अरुण महाजन और दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।